घटनाओं के बाद सख्त हुए कानून से भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजी घटना उस समय सामने आई जब मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र स्थित भदासना हवाई पट्टी के नजदीक एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है। इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की 8 साल की बच्ची खेलते हुए उस तरफ चली गई थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि बच्ची विक्षिप्त है। जब वह घर पहुंची तो उसकी हालत खराब थी। उसे तभी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस घटना पर जानकारी देते हुए SPCT अमित आनंद ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सर, हमारे 8 साल की बच्ची थी जी। हमारी बहन थी चचेरी जी। वो दिन में 1 बजे घर से निकली थी जी। वो हवाई पट्टी में खेलने नहीं कर सकती थी। दिमाग से ऐसी थी मानसो जी। उसका दिमाग ऐसी है, थोड़ा सही भी है, कुछ ऐसी रहती है। इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल से, जिला उसको ढूंढने ढूंढने में 4 बज चुके। वो 4 बजे तक हमने उसको ढूंढा तो हवाई पट्टी के पास अंदर ऑफिस के पास में प्लांट हुआ है। उस प्लांट के पास ढूंढा तो उसके कुछ चोट सी महसूस हमें दिखाई दी, और हमने इसलिए उसको मुराद जिला अस्पताल ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद में हमने डॉक्टर ने हमें बताया कि उसके कोई बुरा काम हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है ये तो मानसुख इसका कोई पता नहीं है। ये भदासना गांव पड़ता है मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में। इसमें 22 तारीख की घटना है। उसमें जैसे कि लड़की के पिता ने बताया है कि उनकी 8 वर्ष की लड़की थी, जो वहाँ पे उसको चोट लगी हुई उन्हें मिली, तो इन्होंने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल मुरादाबाद में देखा है, फिर यहाँ से रेफर उसे मेरठ में किया गया। तो मेरठ से जो मेडिकल एग्जामिनेशन में दुष्कर्म की बात आई है, उसके बाद पिता की तहरीर पर 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके आगे की विवेचना की जा रही है।